क्वेश्चन नंबर 34, द टू पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट एंड आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर. फॉर एग्जाम्पल, एक रिवर जो है जा रही है और उसके दोनों साइड पर दो पाम के ट्री हैं और उन्होंने कहा इक्वल हाइट के, ठीक है, तो दोनों की हाइट जैसे कि मान लेते हैं इसकी हाइट भी एच, इसकी हाइट भी एच, विच इज़ 80 मीटर वाइड. तो ये रिवर की बात हो रही है, आइदर साइड ऑफ द रिवर विच इज़ 80 मीटर वाइड. तो ये जो रिवर है ये 80 मीटर वाइड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर, इस रिवर के बीच में कोई पॉइंट है और ये बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं बोला है तो हम किधर भी ले सकते हैं. जैसे कि ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक है, और बिटवीन द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. एक ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये 60 डिग्री है और ये पॉइंट ओ नीचे लिख लेते हैं, ये वो पॉइंट है, और इस जो पाम ट्री है इसका एंगल 30 डिग्री है. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये एच निकालनी है हमको, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज. ये ओ पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से और उधर से, तो हम यहाँ से ये पॉइंट मान लेते हैं, ये ए बी सी और डी, तो हमें बी ओ और सी ओ भी फाइंड करना है. तो हम बी ओ को एक्स मान लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो ओ सी है ये कितना हो जाएगा, टोटल ये 80 था, एक्स चला गया, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है. नाउ इस ट्रायंगल में जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं, तो परपेंडिकुलर है ये हाइट अपॉन में ये बेस है एक्स, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है एच बाय एक्स वो होता है 10 थीटा और इसका एंगल है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री. और ये एक्स, ये 1060 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 एच अपॉन एक्स, एक्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, तो ये एक जो है एच की वैल्यू आ गई. नाउ इन ट्रायंगल डी ओ सी में जो परपेंडिकुलर है वो एच है और जो बेस है वो ये है 80 माइनस एक्स, तो परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ भी 10 थीटा होगा और इस ट्रायंगल के अंदर थीटा है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री. 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3, यहाँ पर एच बाय 80 माइनस एक्स है. नाउ ये 80 माइनस एक्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, इधर बचेगा एच, ये एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय रूट 3, और ये रूट 3 इधर आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 एक्स इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स इधर आएगा, 3 एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 4 एक्स इक्वल टू 80 और एक्स इक्वल टू 80 बाय 4, ये कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये मीटर में थी तो ये भी 20 मीटर होगा. तो एक तो हमें बी ओ लेंथ निकालनी थी तो ये बी ओ लेंथ आ गई है 20 मीटर, एक हमें निकालनी है सी ओ, तो सी ओ है 80 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 80 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 60 मीटर. और एक हमें ये हाइट निकालनी थी, दैट इज़ ए बी और सी डी कुछ भी ले सकते हैं, तो जो ए बी है वो हाइट एच के इक्वल है और एच हमने क्या माना था अंडर रूट 3 एक्स और एक्स की वैल्यू आई है 20, तो यहाँ 20 रखेंगे तो 20 रूट 3 हो जाएगा, तो एच हो गया 20 अंडर रूट 3 मीटर. तो ये तीनों हमारे आंसर हैं. इसका एक और पार्ट भी है वो करते हैं हम. इसका और पार्ट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई. 50 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का और बॉटम का ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर. नहीं, एक ये टॉप ऑफ द टावर मान लीजिए और 50 मीटर की हाई बिल्डिंग दूसरी है,
ये है 50 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इन्होंने बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, तो यहाँ से इसके टॉप का और इसके जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाएं तो ऊपर से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ये एंगल जा रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जो ऊपर की साइड जाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये वाला जो एंगल है इन्होंने 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला हो गया 30 डिग्री और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो नाउ इसके पैरेलल यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये पूरी हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, और बिल्डिंग और टावर के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये भी फाइंड करनी है। तो इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो हमें एक तो ए ई फाइंड करना है ये पूरी डिस्टेंस, और ई डी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो DC है ये 50 मीटर है, तो ये BE भी 50 मीटर होगा, तो ये हो गया 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं X, तो ये हो जाएगा X यहाँ से यहाँ तक। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ए बी सी ट्रायंगल में जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स अपॉन में बेस, बेस यहाँ ले लेते हैं बी सी को, तो बेस हो गया बी सी इक्वल टू, देखिए ये एंगल 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में एंगल हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू में 10 30, क्योंकि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाय बेस लिया है, और 10 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3, यहाँ आ गया एक्स बाय बी सी। नाउ रूट थ्री को इधर ले आते हैं, बी सी को उधर ले जाते हैं, तो √3x जो है वो आ गई बी सी की वैल्यू। तो हम अगर इस बी सी को √3x लिखें तो ई डी को भी √3x लिख सकते हैं, और नाउ इस बड़ी ट्रायंगल में ए ई डी ट्रायंगल में फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, ये पूरा ए ई, तो ए ई बाय बेस है ई डी इक्वल टू 10 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, 10 60, और 1060 की वैल्यू होती है √3, और जो ये ए ई है ये है एक्स प्लस 50, तो एक्स प्लस 50 बाय ई डी, ई डी और बी सी सेम है, ये हमने अभी फाइंड किया था √3x, तो इसकी जगह यहाँ लिख लेते हैं √3x। ना ये √3x उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ एक्स प्लस 50 इक्वल टू √3 × √3 और ये x हो जाएगा। नाउ ये x उधर भेजेंगे तो 3x माइनस x 2x इक्वल टू 50, 2 डिवाइड में आएगा, 50 बाय 2 इक्वल टू x लिख सकते हैं, या x इधर लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। नाउ ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कराते हैं तो जो BC है वो भी फाइंड हो जाएगा, BC हो जाएगा √3x, x है 25, तो ये हो गया 25 √3, और ये जो BC है यही ED है, ED हमें फाइंड करना था, तो हमारा जो ED है वही सेम BC है, तो ये फाइंड हो गई 25 √3 इनके बीच की डिस्टेंस, और AE जो है AE वो है x plus 50, तो x है हमारा 25 और ये 50 है, ये हो गया 75, और यूनिट हमें उसकी मीटर में दी थी, तो ये भी 75 मीटर होगा, यहाँ भी मीटर लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया।